गाइज, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि WhatsApp ने एक अपडेट निकाला है कि अब WhatsApp स्टेटस के अंदर मात्र 15 सेकंड तक की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 सेकंड तक की कोई वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। WhatsApp ने ये अपडेट क्यों निकाला, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो एक बनाई हुई है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अब WhatsApp के अंदर 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो कैसे लगा सकते हैं, 30 सेकंड तक की वीडियो या उससे ज़्यादा की वीडियो कैसे लगा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस फीचर का यूज कर सके, क्योंकि वो भी परेशान होंगे ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, देन आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, वीडियो, ट्रिम और डिलीट का। यहाँ पे ये दो ऑप्शन अभी आपको वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जब आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे तब आपको ये ऑप्शन वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। देन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना। चलिए मैं यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 29 सेकंड्स की है। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, स्प्लिट वीडियो और ट्रिम वीडियो। तो आपको स्प्लिट वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी ऐड आएगी जो आपको कट कर देनी है। अब यहाँ पे आ रहा है ना इन सेकंड्स, जहाँ पे 30 है। तो दोस्तों जैसे कि WhatsApp पे आप 15 सेकंड तक की वीडियो लगती है, तो आपको यहाँ पे इसको हटा के 15 कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, यहाँ पे तो 150 हो गया, तो यह 0 हटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे स्प्लिट वीडियो पे क्लिक करना है। दोस्तों ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मात्र 5 से 10 सेकंड। तो यहाँ पे स्प्लिट वीडियो पे क्लिक करना है, और ये मात्र थोड़ी ही देर की प्रोसेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों फिनिश्ड हो गई है। अब आपको डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे WhatsApp के अंदर शेयर कर सकते हैं स्टेटस के अंदर। आप इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे माय स्टेटस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप लगाने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वीडियो दो अलग अलग पार्ट में दिखेंगी। पहला पार्ट 15 सेकंड का होगा और दूसरा पार्ट 14 सेकंड का, क्योंकि ये 29 सेकंड की ही वीडियो थी। अगर 30 सेकंड की वीडियो होगी तो वो आपको दो अलग अलग 15 सेकंड्स के पार्ट में बट जाएगी। अब यहाँ पे आप क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं और अपने WhatsApp स्टेटस के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इसका नाम है वीडियो स्प्लिट। इस ऐप का साइज मात्र 1.8 MB, यानी 2 MB की भी एप्लीकेशन। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आप आसानी से 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर कर देना यार, ताकि वो भी इस ट्रिक को यूज़ कर ले। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा दोस्तों, थैंक यू।